सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले आईआरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 1% की गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक करंट लेवल पर 253 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि स्टॉक चार्ट पैटर्न पर कैसा नजर आ रहा है और स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट क्या बनते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक के अंदर लगातार एक डाउन ट्रेंड का सिलसिला बना हुआ है। नीचे में जो स्टॉक के अंदर एक अहम सपोर्ट लेवल था वो 260 रुपीज का था, जो आप ग्रीन कलर की नेक लाइन देख रहे हैं। इस पॉइंट पर स्टॉक काफी समय तक कंसोलिडेट करता है पर इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, पर इस बार स्टॉक ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया है और लगातार ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक गिरावट होती हुई नजर आ रही है। अब अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजिशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 235 रुपीज का एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक नीचे में एक करेक्शन दिखाता है तो इस प्राइस तक नीचे गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि पहले भी स्टॉक के अंदर 235 रुपीज के पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि इस पॉइंट पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर स्टॉक नीचे 235 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं। ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 297 रुपीज, अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट 335 रुपीज के बनते हुए नजर आएंगे। पर अभी उस प्राइस से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी काफी बड़ी करेक्शन दिखा चुका है, तो वहां तक जाने के लिए स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेलवे सेक्टर जो है, सभी रेलवे सेक्टर को देखें तो ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन का सिलसिला बना हुआ है। जब तक कंपनी के Q2 के रिजल्ट नहीं आते, जब तक इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पर मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा।